सी व्यूअर शिकारपुरी गोश्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नुजरत के पकवान में आप सबका वेलकम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो कल की हमारी रेसिपी आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। तवा फिश हमने बनाई थी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल वीडियोस में जाके ज़रूर देखें। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं शिकारपुरी गोश्त। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान है बनाना, लेकिन ये है कि इसको आपने 8 घंटे के लिए एटलीस्ट मैरिनेट करना है। ये है कि अगर गेस्ट आने वाले हों तो आप रात में मैरिनेट कर दें और गेस्ट नेक्स्ट क्यों, डे खुद भी खाए। बना लें। हाँ, ये बस ये बहुत मज़े का आइटम है, तो आपके गेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो मटन, और मटन जो है ये आप देख लें इसके पीसेस। चलें, आप मसाले इसमें डालेंगे। सबसे पहले दही डालेंगी, क्या डालेंगी? सबसे पहले इसमें जाएगा जिंजर चलो गार्लिक शुरू पेस्ट। करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करके शुरू। बताओ, दो क्या बड़े चीज़? टेबल स्पून हाँ, दो लहसुन बड़े अदरक, टेबल स्पून लहसुन अदरक, ठीक है। अच्छा इसमें मस्ट है सिर्फ अजवाइन, इसमें बाद में भी जाएगा। इस अजवाइन को थोड़ा सा मसल के हाथ से ये डालना। ये 1 टीस्पून है तकरीबन हसबी जायका नमक, नमक, तकरीबन मैंने तो 1.5 चम्मच। डेढ़ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। क्योंकि इसमें बाद में भी जाएगा ना मसाले, ये मर्च वगैरह, अच्छा, बस ये डेढ़ रखेंगे हम। डेढ़ टेबल स्पून 1.5 जो है वो आपने लाल मिर्च पाउडर, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, और 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 3 से 4 चम्मच दही के डाले हैं इसमें, ठीक है। नमक इसमें थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैरिनेशन में कम है, और फिर जब हम बनाएंगे उस टाइम भी आपने नमक को डालना है, और फिर ये तो हंस पे ज़रूरत है। अच्छा, बस ये मैरिनेट हो गया। इसको हमने 8 घंटों के लिए मैरिनेट करके रखना है, ठीक है। कवर करके इसको रख दें, इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप। पूरी गोश्त मैंने मैरिनेट करके रखा था पूरे 8 घंटे। अब ये मैंने चढ़ाया सरसों का तेल, कुकर में डाल दिया। अब इसमें जाएगी बड़ी इलायची, लौंग, 2-3 लौंग डाले, काली मिर्च साबुत, और अजवाइन, ये मस्त डालने। इसके बाद प्याज, जी अब इसको ब्राउन किया प्याज को, अब जाएगा अदरक और लहसुन। अब ये हरी मिर्ची चॉप की हुई, ये भी इसी ऑयल में ही जाएगा। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, इसके बाद जो हमने 8 घंटे पहले मैरिनेट किया था गोश्त, ये देखिए इसकी शक्ल अब क्या बन गई। अब जाएगा ये इसमें, नेक्स्ट स्टेप है 2 चम्मच आपने इसमें दही डालना है, और अभी इसमें और भून के थोड़ा सा शिकारपुर जाएगी ना। हाँ। अब जाएगा पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। हाँ, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और नमक थोड़ा सा कम पहले भी डाला ना, थोड़ा डाला था तो आधा चम्मच और डाला है हमने इसी तरह ही, और लाल मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च डालिए, थोड़ा स्पाइसी है। अच्छा,
बस अभी इसको हमें भून के अब इसमें और अब इसमें गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा सा स्टीम लगाएंगे, गोश्त भी थोड़ा सा नरम हो जाए ना, गल जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, डिश आउट करके बता देंगे। चलें बस व्यूअर्स, डिश आउट करके अब आपको दिखाते हैं रिजल्ट। अच्छा बस मामा भी पानी डाल, अच्छा मामा इसमें हल्दी क्यों नहीं डाल? नहीं हल्दी नहीं है शिकारपुरी में। अच्छा शिकारपुरी को नहीं खाते? तुम्हें शिकारपुर जाना है? शिकार करने जाइए गोश्त खा के आज, ठीक है? और क्या, तो खाबों में वहीं जाओ। बस गर्म पानी थोड़ा सा, बस अब स्टीम बंद करेंगे, दिखाएंगे। चलें बस अब आप पूरी शॉर्ट करके दिखाते हैं, थोड़ा सा ये हो जाए। अच्छा बस अब एंड पे इसको स्टीम देना 15 मिनट के लिए, ठीक है? और फिर हमारा ये शिकारपुरी गोश्त इज रेडी। व्यूअर्स, डिश आउट कर दिया है हमारा शिकारपुरी गोश्त, अब हम जा रहे हैं शिकार में। तैयार हो गया है और अब हम शिकारपुर जा रहे हैं जी, वहाँ जाके खाएंगे हैं। चलें अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बहुत मज़े का बना है, मैंने तो खैर खाया भी है अभी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मजे का बना है। पता है देखो इसमें हल्दी भी नहीं है, सब्ज़ इलायची, कितने मसाले कट किए हैं, शिकारपुरी ऐवी नहीं है। हाँ शिकारपुरी जो है ना, फिर शिकारपुरी ही है। चले ठीक है व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।